Bismillah Rahmani Rahim. Assalamu alaikum, dear class. I hope you will be fine and safe. May Allah keep you safe and healthy. आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने टेस्ट एंड एग्ज़ाम जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था, उसकी मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करवा चुकी हूँ और फर्स्ट टू क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ. आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे, और इसके साथ जो MCQs है एडिशनल एक्सरसाइज के आपके सिलेबस में फर्स्ट टू 10 जो MCQs है वो हैं, वो भी आपने साथ प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि सैटरडे को आपका टेस्ट है और MCQs उसी में से आएंगे. तो आपने अच्छे से अपने टेस्ट को भी प्रिपेयर करना है, और इसके साथ साथ जो आप लोगों ने अपने जो मैंने आप लोगों को सिलेबस पढ़ा रही हूँ वो जिन बच्चों ने नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर लें, क्योंकि जब आप स्कूल स्टार्ट हुए तो आपके टेस्ट आपके एग्ज़ाम होंगे, और विदाउट एग्ज़ाम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास प्रमोट नहीं किया जाएगा. अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको करवाऊंगी. नेक्स्ट, डू यू फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम? क्या आप टेस्ट और एग्ज़ाम के बारे में नर्वस फील करते हैं? नो, आई डू नॉट फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम. मैं टेस्ट और एग्ज़ाम की वजह से नर्वस महसूस नहीं करता. आई प्रिपेयर एवरी लेक्चर डेली, क्योंकि मैं अपना हर जो लेक्चर है जो सबक है वो डेली याद कर लेता हूँ. वट कौन सी काइंड किस्म ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम की यू प्रेफर टू हैव, जिससे आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, ज़्यादा अहमियत देते हो, वाई क्यों? आई मैं प्रेफर करता हूँ टू हैव प्रैक्टिकल एग्ज़ाम. मैं प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है उनको प्रेफर करता हूँ. दे वो गिव अस देते हैं द फीलिंग्स डैट जो कि वी हैव डन, जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, कॉन्फिडेंस होता है, उसको उस पर काम करते हैं. When कब can you study the best in the day or at the night? आप कब बिल्कुल अच्छे तरीके से दिन में या रात में पढ़ना अच्छा आपको लगता है, रात को पढ़ाई कर सकते हैं या दिन में कर सकते हैं, एंड वाई क्यों? आई मैं कैन स्टडी कर सकता हूँ द बेस्ट बहुत अच्छे तरीके से इन द मॉर्निंग, सुबह में. देयर इज साइलेंस, क्योंकि उस वक्त खामोशी होती है. देयर इज़ नो इंटरफेरेंस, तब किसी की भी उसमें मुदाखलत नहीं होती. ये इतने जो हैं क्वेश्चन आंसर, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं, और इसके साथ आप लोगों ने MCQs करने, जो मैं आप लोगों को भी करवा देती हूँ. फर्स्ट 10 MCQs जो हैं वो आपके सिलेबस में ऐड हैं. यू मे टेक एग्ज़ाम इन अ डैश ऑफ सब्जेक्ट. आप किसी भी किस्म के आप मे टेक एग्ज़ाम दे सकते हो इन अ डैश ऑफ सब्जेक्ट, वराइटी ऑफ सब्जेक्ट, बहुत से वराइटीज़ और सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं. टेस्ट एंड एग्ज़ाम कैन बी रिटन ऑरल एंड प्रैक्टिकल और इवन, यहाँ तक कि ऑल द थ्री. या उन्होंने कहा है कि टेस्ट और एग्ज़ाम जो है रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑरल भी हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो तीनों भी इकट्ठे हो सकते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मीन मतलब है डैट क्या यू कैन शो करो वट क्या यू तुम नो जानते हो अबाउट बाई डूइंग करना चाहते हो समथिंग. एवरीबॉडी हर कोई फील महसूस करता है डैश अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम से. ये आप लोगों को भी मैंने क्वेश्चन करा है, नर्वस आएगा. स्ट्रेस जो है प्रीवियल जो स्ट्रेस है दबाव जो है प्रीवियल बढ़ा देता है. डैश देम एंड दे कैन नॉट डू देयर बेस्ट. अगर स्ट्रेस जो है ओवर हो जाए तो वो बढ़ जाए तो वो आप लोगों को अच्छा काम करने से बेस्ट करने से रोक देता है. गेट डैश द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम इन टू आएगा. आज पूछें द डैश हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, इसमें आएगा टीचर, जो आप लोगों को काम है वो अपने टीचर से उसके बारे में पूछें. नेक्स्ट हैव अ टीडियस स्टडी एरिया एट डैश, इसमें आएगा होम. स्टडिंग विद डैश कैन बी हेल्पफुल बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, इसमें आएगा समवन. यहाँ तक आप लोगों के नहीं, एक और है. वर्किंग डैश इज़ बेस्ट अलोन, ये 10 MCQs हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं. एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेव योर लाइफ. गुड बाय.